नाज़रीन, एक मुसलमान होने के नाते मौत पर और कयामत आने पर हमारा ईमान है कि जिस दिन हर जिंदा चीज को फना हो जाना है और अल्लाह पाक की ज़ात के सिवा कोई भी ज़ात बाकी नहीं रहेगी। ला खलाबा चैनल पर आने वाले प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा, कयामत के मुतल्लिक तमाम अंबिया ने अपनी अपनी उम्मत को बताया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल निशानियां अपनी उम्मत को बयां की। इसलिए कि जब भी ये निशानियां वाज़े होने लगे तो समझ आना कि कयामत बहुत करीब है। हज़रत इब्ने मासूद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायात है कि मैंने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, कयामत का नज़ूल कब होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत की निशानियां तस्बीह के दानों की तरह होंगी। जब तस्बीह टूटती है तो दाने बिखर जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत की बहुत सी निशानियाँ हैं। तो दोस्तों, आज मैं उन चंद निशानियों का जिक्र आपकी खिदमत में बयां करूंगा। इससे पहले मेरे चैनल ला खलाबा को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कयामत करीब होगी, कुरान मजीद को लोग मौसीकी का रंग देकर तिलावत करेंगे। इस्लाम पर अमल करने वालों पर लोग हैरान होंगे और अजीब व गरीब नजरों से देखेंगे और इन्हें नया समझेंगे। हर आने वाला जमाना गुजरे जमाने से अजीब तर और बदतर होगा। गुनाह करना बहुत आसान होगा और गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाएगा, और गुनाह करके इसको बयां करके खुशी महसूस करेंगे। मुसलमान मालदार होंगे मगर नाम के और दीन पर अमल नहीं करेंगे। हर नाजायज को जायज समझेंगे। कत्ल आम होगा और कत्ल को एक मामूली बात समझा जाएगा, और कातिल और मक्तूल को इस बात का इल्म नहीं होगा कि मैं क्यों कत्ल हो रहा हूं, और इस तरह मक्तूल को ये मालूम नहीं होगा कि मुझे क्यों कत्ल किया जा रहा है। दुनिया के अमीर लोग अमूमन बखीर हो जाएंगे। जहालत का दौर दौरा होगा। लोगों के पास तालीम बहुत ज्यादा होगी मगर इस्लाम की तालीम से महरूम होंगे और गाफिल हो जाएंगे। लोग ज़कात के हकदार नहीं होंगे मगर ज़कात की तलब करेंगे। औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी, यानी कपड़े इतने बारीक होंगे उनके जिस्म का हर एक आज़ा नजर आएगा और वो ये कपड़े पहनकर फख्र महसूस करेंगी। दुनिया में बरकत ख़त्म हो जाएगी। साल महीने जैसा और हफ्ता दिन जैसा और दिन घंटे जैसा महसूस होगा। अरब की सरजमीन पर फराखी हो जाएगी और मदीना मनवरा की आबादी में इजाफा हो जाएगा। मुसलमान सही अहादीस से इनकारी हो जाएंगे और अपने से झूठी हदीस बयां किया करेंगे। दुनिया के माल से इतनी मोहब्बत हो जाएगी कि बीवी अपने शोहर के साथ कारोबार में शरीक और मसरूफ अमल हो जाएगी। शराब इतनी आम हो जाएगी, लोग शराब की मशरूबात पर मुख्तलिफ नाम रख कर इस्तेमाल करेंगे। बेहया औरतें अरूज पर होंगी और मौसीकी के आलात आम हो जाएंगे। मुसलमानों की जिंदगी में नमाज की दिलचस्पी खत्म हो जाएगी और अक्सरियत मुसलमान नमाज को जल्दी में अदा किया करेंगे। झूठ इतना आम हो जाएगा कि लोग सच बोलने से खौफ महसूस करेंगे और झूठी गवाही भी दिया करेंगे। मुसलमानों का ज़मीर और ईमान इतना कमज़ोर हो जाएगा कि कुफार की ताबेदारी और पैरवी करने लग जाएंगे और अल्लाह ताला की मदद की बजाय काफ़िरों से मदद को तरजीह दिया करेंगे। कुरान पाक को ज़रिया मुआश बनाएंगे। कुफर आम हो जाएगा। इंसान सुबह को मुसलमान, शाम को काफिर, और शाम को मुसलमान और सुबह होते ही फिर काफिर हो जाएगा। सूद आम हो जाएगा। मुसलमान सूद को अजीब रंग देकर जायज करने की कोशिश में मसरूफ होंगे। फितने इतने ज्यादा हो जाएंगे जिस पर दीनी इल्म कम पड़ जाएगा। मर्द कम होंगे और तादाद में औरतें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कयामत की निशानियां बयान फरमाई हैं, इनमें अक्सर पूरी हो चुकी हैं, चंद एक बाकी हैं।
जैसे कि दज्जाल का फितना, हजरत ईसा अलैहि सलाम का जमीन पर दोबारा आना, हजरत इमाम मेहदी का नज़ूल होना, सूरज का मगरिब को तलू होना, तौबा के दरवाजों का बंद होना, ये सब निशानियों के बाद कयामत आएगी। तो दोस्तों, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें ईमान और कलमे वाली मौत अता फरमाए।